बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था टाइप्स ऑफ वेव्स, इसमें मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स पढ़ी थी हमने, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा रिपल टैंक। रिपल टैंक की अगर डेफिनेशन की जाए तो रिपल टैंक को हम कहते हैं, रिपल टैंक इज़ अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेव्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं मैकेनिकल वेव्स, एंड डिस्कस इट्स करेक्टरिस्टिक्स। अब जो वेव प्रोड्यूस की है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया जाए तो हमारे पास रिपल टैंक इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिपल टैंक का अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बेटा रिपल टैंक जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है या स्क्वायर शेप का होता है। इसका बॉटम जो होता है वो ग्लास का बना होता है, लाइक टेबल होता है। तो इसे क्योंकि इसकी साइडों पर वुडन स्ट्रिप्स लगी होती हैं जो वाटर को रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके अंदर पानी रखा जाता है जो कि वाटर रिजर्व के तौर पर लगता है। अब बात होती है कि एक हमारे पास स्केल नुमा स्ट्रिप होती है लकड़ी की, उसके ऊपर हम एक वाइब्रेटिंग मशीन लगाते हैं, उसे वाटर पर रखते हैं। जब वाइब्रेटिंग मशीन ऑन की जाती है तो इस रिपल टैंक के वाटर में मैकेनिकल वेव्स यानी कि जो स्ट्रेट वेव्स क्रिएट होती हैं हमारे पास। अब बात आती है कि इसके ऊपर एक लैंप लगा होता है बेटा। अब लैंप से जब रोशनी पड़ती है तो नीचे हमारे पास बॉटम में जो टेबल होता है उसके बॉटम में इमेज क्रिएट होता है, वहाँ पर हमने पेपर रखा होता है जिस पर इमेज बनता है, और उसको स्ट्रॉन्ग कैमरे से कैप्चर किया जाता है, लाइक DSLR से कैप्चर किया जाता है। अब बात ये होती है कि जब वेव्स क्रिएट होती हैं वो क्रस्ट और ट्रफ की सूरत में होती हैं, लेकिन जो पेपर पर हमें इमेज मिल रहा है वो बेटा ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स की सूरत में मिल रहा है, आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। अब क्रस्ट और ट्रफ की वजह से रोशनी गुजरने से ये ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स कैसे बनती हैं इस पर बात करते हैं। बेटा जब क्रस्ट होता है ना, अभी हम अगले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का, ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंसेज पर जब हम जाएंगे तो अब आप इसको ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे, लेकिन अभी मैं बताता हूँ। आपने 8th क्लास के अंदर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का पढ़ा है, जिसमें कनकेव और कन्वेक्स लेंस इसके बारे में पढ़ा है। जो कन्वर्जिंग होता है इसका काम होता है कि वेव्स को, रोशनी की वेव्स को एक जगह इकट्ठा करना, और जबकि डाइवर्जिंग का काम ये होता है कि वेव्स को डाइवर्ज कर देना, फैला देना। अब जो क्रस्ट होता है इसके अंदर जब उससे रोशनी गुजरती है तो रोशनी को कन्वर्ज करके इकट्ठा करके एक जगह मरकूज़ कर देता है, इकट्ठा कर देता है, यकजान कर देता है, वहाँ पर वाइट फ्रिंग्स बनती हैं, वाइट स्ट्रिप्स बनती हैं। जबकि जो ट्रफ होता है, क्रस्ट और ट्रफ, ट्रफ में से जब रोशनी गुजरती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, जिसे हमारे पास ब्लैक स्ट्रिप्स आती हैं। तो इस चीज़ को हमने यहाँ राइट भी किया, वैसे भी पढ़ लीजिएगा। इस तरह हमें ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स में जो इमेज है वो मिलता है। अब दो कंजेक्टिव ब्लैक स्ट्रिप्स या वाइट स्ट्रिप्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ भी हम इसे एग्जामिन कर सकते हैं। अब ये तो था हमारे पास रिपल टैंक, लेकिन अगर हमने डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेव्स तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन, और दूसरी प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन। अब देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में एल और आर का डिफरेंस है, ये बात ध्यान से देखिए। रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन, और तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ वेव, और चौथी जो कि आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है लेकिन मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दे दी है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अभी हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की। बेटा रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि वाटर वेव्स जब किसी ऑब्स्टेकल से टकराते हैं, ऑब्स्टेकल मीन रुकावट, रुकावट से टकराते हैं तो बाउंस बैक हो गए, उसी मीडियम में वापस आ जाते हैं। तो इस अमल को, इस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। हम इसके एक्सपेरिमेंट को कैसे देखेंगे और स्टडी कैसे करेंगे कि रिपल टैंक के अंदर हम एक लकड़ी का पीस रख देते हैं, ये जो लकड़ी का पीस वेव्स जब क्रिएट हो रही है तो उसके अंदर रख देते हैं। अब वो वेव जो है वो इस लकड़ी के पीस से टकराती है, टकराने के बाद उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वेव का ये अमल या ये फिनोमेना या ये करेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहलाती हैं। अब वेव्स में हमारे पास तीन तरह की चीज़ें होती हैं, ये ज़रा डायग्राम देखिएगा, जिसमें एक वेव आ रही है रेड कलर की लाइन से, और ये एक स्ट्रेट लाइन जो ड्रा की गई, इसे हम परपेंडिकुलर या नॉर्मल कहते हैं। एक वेव आ रही है जो कि नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। जब वो रिफ्लेक्ट होकर जाती है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
वो सेम होता है जो कि नॉर्मल के साथ बनता है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब आती है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या है बेटा? किसी भी वेव का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए अपने पास से हट जाना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। मैं अगेन रिपीट करूँ, नॉट ए रिफ्लेक्शन, इट्स अ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। अब रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में क्या होता है कि वेव एक जा रही होती है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब दाखिल होती है तो अपने पास से हट जाती है, ये अमल जो है वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम में हमारे पास दो तरह के वाटर लेवल्स हैं, एक डीप वाटर है, एक शालो वाटर है, यानी कि कम गहरा पानी और ज़्यादा गहरा पानी। जब एक वेव डीप वाटर से शालो वाटर में इंटर होती है तो अपने पास से हल्का सा हट जाती है, और वेव का इस तरह का महसर करना यानी कि वेव का इस तरह का अमल करना या शो ऑफ होना, ये रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है। अगर हम डिफ्रैक्शन की तरफ जाएँ तो बेटा डिफ्रैक्शन क्या है बेटा? जब एक ऑब्स्टेकल से वेव का पास होना और वो शार्प एजेस दे तो हम इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइक दिस कि एक वेव आप सामने देख रहे हैं डायग्राम में, स्ट्रेट वेव जा रही है और दो ब्लैक कलर के ऑब्स्टेकल्स रखे गए, उनसे वेव पास कर रही है। वेव पास होने के बाद हमें वाईफाई के सिग्नल लाइव दे रहा है, ये शार्प एजेस है। लेकिन एक चीज़ हमने देखनी है कि इस डायग्राम को अगर बुक पे देखें तो दो डायग्राम्स बनेंगे, इसमें शार्प एजेस भी हैं और सेमी सर्कुलर वेव भी हैं। जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है इसमें सेमी सर्कुलर वेव है। अब ये डिपेंड किस पर करती है, पहले ये बात समझे कि ये जो दो ब्लैक स्ट्रिप्स हैं इनके दरमियान जो फासला दिया गया है जिसमें से वेव पास होकर दूसरी जगह जा रही है, उस फासले को हम स्लिट बोलते हैं, स्लिट, स्लिट वक्फे को कहते हैं, जैसे दो ऑब्स्टेकल्स के दरमियान स्लिट। अगर इस स्लिट की लंबाई पैदाशुदा होने वाली वेव की वेवलेंथ के इक्वल हो जाए तो बेटा हमें पर सेमी सर्कुलर वेव्स क्रिएट होती हैं, और अगर ये फासला कम या ज़्यादा हो जाए तो हमें शार्प एजेस वेव मिलती हैं, वो सेमी सर्कुलर वेव क्रिएट नहीं होती। जो नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जो टाइप है वो है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। बेटा दो मुख्तलिफ तरह की वेव्स जब आपस में टकराती हैं तो दो तरह का फिनोमेना शो होता है, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्क्रप्टिव। कंस्ट्रक्टिव में अगर दो वेव्स इस तरह मिलें कि एक का क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर और ट्रफ ट्रफ के ऊपर, तो वेव की वेवलेंथ जो होती है या एम्पलीट्यूड जो होता है वो बढ़ जाता है, और वेव ज़्यादा तौर पर ऊपर नीचे होना शुरू होती है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जबकि ऐसी वेव जिसका क्रस्ट ट्रफ के ऊपर और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर आ जाए, ऐसी वेव स्ट्रेट वेव्स हो जाती हैं, वो उनका ये अमल खत्म हो जाता है। दिस फिनोमेना ऑफ द वेव्स विल बी नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अल्लाह हाफिज़ बेटा।